जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी अभी जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके शपथ ली है। इसका मतलब यह है कि जो जस्टिस रंजन गोगोई साहब है वो भारत के 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं और इन्होंने सक्सीड किया है दीपक मिश्रा साहब को। और रंजन साहब ने शपथ ली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 अक्टूबर 2018 यानी कि आज। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली कहाँ के हैं, इनके फादर कौन थे, इन्होंने प्रैक्टिस कब शुरू की, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थे, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बीइंग अ सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हर सिटीजन को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जस्टिस रंजन गोगोई साहब ये कौन है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ जो जस्टिस रंजन गोगोई साहब है वो पहले ऐसे इंसान है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से टॉप मोस्ट पोजीशन जुडिशियरी में हेल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो जस्टिस रंजन साहब है वो आसाम से बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गिना जाता है। अब देखिए, हमने जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर देखा था इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत का, उसमें हमने देखा था कि जो भी जज अपॉइंट किए जाते हैं, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी और जज हो सुप्रीम कोर्ट के, तो वो शपथ किसके सामने लेते हैं? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सामने शपथ ली जाती है। तो हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने जस्टिस गोगोई साहब को शपथ दिलाई और इसी के साथ वो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और इनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है अगले साल नवंबर महीने में। अब थोड़ा बहुत इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था नवंबर 18, 1954 में। इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है ये डॉन बॉस्को स्कूल डिब्रूगढ़ यहाँ से कंप्लीट की, और जो फॉर्मर आसाम के चीफ मिनिस्टर थे केशव चंद्र गोगोई साहब, उनके ये सुपुत्र है। और जस्टिस गोगोई ये एनरोल किए गए थे एज एन एडवोकेट 1978 में। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और इन्होंने जो प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्सेशन एंड कंपनी मैटर्स इसमें शुरू की थी। और ये परमानेंट जज करके अपॉइंट किए गए गुवाहाटी हाई कोर्ट में फरवरी 28, 2001 में। और ठीक 9 साल बाद उनका ट्रांसफर हो गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और इनका प्रमोशन भी हो गया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट फरवरी 12, 2011 में। अब देखिए, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस लगती है वो सब कुछ हमने जो हाई कोर्ट जब हमने चैप्टर लिया था उसमें कवर किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है ये भी हमने जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर देखा था इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका, तब हमने वो कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आपको जो कंडीशंस है वो पता रहना जरूरी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली कुछ जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जो जजेस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो खुलेआम प्रेस में सब कुछ बता रहे हैं। तो जो भी जजेस इसमें शामिल थे उसमें से एक गोगोई साहब भी थे इसमें, जस्टिस गोगोई, जस्टिस चिलमेश्वर, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ, ये सब शामिल थे। और इनका जो कार्यकाल था एज अ सीनियर जज इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स यहाँ पर सुनाए हैं, जैसे कि आसाम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NCR, और जो MP और MLAs के लिए एक स्पेशल कोर्ट की बात की जा रही थी उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स यहाँ पर दिए हैं। उसी के साथ साथ जो राजीव गांधी साहब थे उनका जो एसासिनेशन हुआ था उस केस का भी यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो इनके तरफ से आया था, और लोकपाल से रिलेटेड जो केस था उसमें भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इनके तरफ से आए हैं। और अगर हम दूसरे जजमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे कोकोनट ऑयल पैकेजिंग के केस था जिसमें स्मॉल कंटेनर्स जो है वो क्लासिफाइड किस में किए जाने चाहिए, एज एन एडिबल ऑयल या फिर हेयर ऑयल, इसके बारे में भी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट इनके तरफ से आया था। उसी के साथ साथ 2002-2003 में अमिताभ बच्चन साहब जो है उनका इनकम टैक्स का केस बाहर आया था, क्योंकि जो कौन बनेगा करोड़पति है उनसे उनकी जो इनकम है उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था।
तो ये भी जो केस है इसका भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इनके तरफ से आया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट जजमेंट यहाँ पर दिए हैं। तो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट जो भी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो ज्यादा स्मूथली चलेगा, क्योंकि जो भी जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उसमें से ये भी एक थे। तो इसलिए अब इनके द्वारा हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चल सकता है। तो हमारी जो फैमिली है सब्सक्राइबर्स की और जो भी लोग जुड़ने वाले हैं, इन सब की तरफ से मैं जस्टिस गोगोई को गुड लक विश करूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।